सिर्फ 2 रुपए के अंदर 5 पेनी स्टॉक्स। अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन दिनों कई पेनी स्टॉक ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है, जिसकी वजह से ये लोगों के बीच काफी पॉपुलर बन गए हैं। बता दें कि पेनी स्टॉक ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत सस्ते होते हैं और जिनका बाजार वैल्यू कम होता है। इन शेयरों की कीमत 20 रुपए से कम होती है, जो उनके निवेशकों के लिए बहुत आकर्षक बनाती है, लेकिन रिस्क भी उतना ही अधिक होता है। ये ऐसे स्टॉक हैं जो बहुत अधिक लिक्विड है और निवेशकों के बीच इतने पॉपुलर नहीं है। ऐसे शेयरों पर लोगों का रिसर्च कर पाना काफी मुश्किल काम होता है। हालांकि ऐसे शेयरों में कम समय में इन्वेस्टर्स को भारी रिटर्न देने वाले मल्टीबैगर बनने की काफी संभावनाएं हो सकती हैं। आज हम आपको ऐसे कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में बता रहे हैं जो 2 रुपए से कम के प्राइस में है। नंबर 1, स्वदेशी इंडस्ट्रीज लीजिंग कंपनी। स्वदेशी इंडस्ट्रीज लीजिंग कंपनी लिमिटेड ट्रेडिंग क्षेत्र में सक्रिय है। साल 1983 में स्थापित की गई थी। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। वर्तमान समय में इसके शेयर की कीमत 1.62 रुपए है। इस कंपनी का मार्केट कैप 1.75 करोड़ है। इसका पीई रेशियो 2.6, वहीं इसका पीबी अनुपात 0.12 है। आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट जरूर देने वाला है, इसलिए आप इस कंपनी के स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। नंबर 2, इंडो क्रेडिट कैपिटल। इंडो क्रेडिट कैपिटल वित्त क्षेत्र की कंपनी है। कंपनी के एक शेयर की कीमत BSE बाजार में आज 1.66 है और NSE बाजार में आज लिस्टेड नहीं है। कंपनी की स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी। कंपनी द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार अंतिम वर्ष की कुल आय 0.106 करोड़ रुपए रही तथा कुल बिक्री 0.106 करोड़ रुपए रही। कंपनी का प्रॉफिट 0.68 करोड़ रुपए रहा। कंपनी दिनों दिन अपनी ग्रोथ कर रही है। नंबर 3, विजन सिनेमाज लिमिटेड। विजन सिनेमाज लिमिटेड विज्ञापन मीडिया क्षेत्र की कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 10 करोड़ रुपए है। कंपनी के एक शेयर की कीमत BSE बाजार में आज 1.56 रुपए है और NSE बाजार में ये लिस्ट नहीं हुई है। कंपनी की स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। कंपनी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार अंतिम वर्ष की कुल आय 0.261 करोड़ रुपए रही तथा कुल बिक्री 0.261 करोड़ रुपए रही। कंपनी का प्रॉफिट 0.6 करोड़ रुपए रहा। जानकारों का मानना है कि इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। नंबर 4, टी स्पिरिचुअल वर्ल्ड लिमिटेड। टी स्पिरिचुअल वर्ल्ड लिमिटेड कंपनी की शुरुआत वर्ष 1986 में हुई थी। IT सॉफ्टवेयर उत्पाद क्षेत्र की कंपनी है। कंपनी का कुल मार्केट वैल्यू 3 करोड़ रुपए है। कंपनी के एक शेयर की कीमत BSE बाजार में आज 1.58 रुपए है। अंतिम वर्ष की कुल आय 0.141 करोड़ रुपए रही। कंपनी का शुद्ध लाभ 1.484 करोड़ रुपए रहा। आज के शेयर की मात्रा 11,250 है। वहीं इसकी कुल शेयर 2 करोड़ से भी अधिक है। नंबर 5, ACI इंफोकॉम लिमिटेड। ACI इंफोकॉम लिमिटेड भारतीय IT 1982 में शुरू हुई थी। ACI ने सुजाता डेटा प्रोडक्ट्स प्राइवेट के रूप में शुरुआत की थी। 2012 में कंपनी का प्रबंधन ट्रोग डायकैम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लिया गया था और तब से कंपनी ने रियल एस्टेट क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। इसका मार्केट कैप 21 करोड़ है। वहीं वर्तमान समय में इसके शेयर प्राइस की बात करें तो वो 1.90 रुपए है। इसका PE 75 है। इसकी बुक वैल्यू 1.25 है। ROCE 1.51% और ROE 1.9% है और इसका फेस वैल्यू 1 रुपए है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी। आपको 5 अच्छे पेनी स्टॉक्स के बारे में जानकारी दी है हमने। सभी स्टॉक्स के बारे में कंप्लीट जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों तक इनकी जानकारी साझा की है, लेकिन पेनी स्टॉक्स काफी रिस्की होते हैं। जब भी आप इनमें इन्वेस्ट करें तो एक बार खुद से कंपनी के बारे में डेटा कलेक्ट करें। हमारे या किसी और के कहने पर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करें।